Good afternoon to all. Myself, Tanmay Gupta, lecturer, Department of Civil Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we have discussed about geometry design and curve. आज हम पढ़ने वाले अपन जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर्स में हमने पेमेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया था, ठीक है। आज हम जानेंगे इसमें कर्व क्या होता है, ठीक है। कर्व देखो, बेसिकली होता क्या है, हम जनरली प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेट रोड बनाए, लेकिन स्ट्रेट रोड बनाते हुए ये तो हमारी डिजायरेबल कंडीशन है कि स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या हर एक जगह स्ट्रेट रोड पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जहां हम रोड बना रहे हैं वहां की जो लैंड है वो किसी फार्मर्स की हो या किसी पीपल की हो, जिसको कंस्ट्रक्ट हमें लेना होता क्या, बेसिकली इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रेट रोड बनाना, ठीक है। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई जमीन थी जो हमें जमीन लेनी है, लेकिन सरकार को क्या करना पड़ा, उस जमीन का जितना कॉस्ट होनी चाहिए उससे ज्यादा देनी पड़ रही है उसको रोड बनाने के लिए, तो वो क्या करेगी। अब ऐसे हम अगर कॉस्ट ही बढ़ाते रहे सिर्फ एक लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होगा क्या, इससे हमारे नुकसान होगा। ये हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हमें स्ट्रेट रोड बनाए, लेकिन हाँ प्रेफर करते हैं डिजायरेबल हमारे लिए स्ट्रेट रोड होती है, डिजायरेबल स्ट्रेट रोड होती है, बट हम बनाते कौन सी है, जनरली हम स्ट्रेट रोड के बीच में कर्व भी प्रोवाइड करते हैं। अभी जो कर्व होते हैं, ठीक है, कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कर्व प्रोवाइड करते हैं, हाईवे पे, रेलवे पे, कुछ कैनाल्स, ठीक है। बेसिकली कर्व का रीजन क्या होता है, दो रीजन होता है कर्व को प्रोवाइड करने का। पहला होता है ग्रेजुअल चेंज, हमें क्या करना होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है कर्व को अपने, क्या होता है ग्रेजुअली चेंज उसके मोशंस में, ऐसा ना हो कि गाड़ी चले और एकदम आपने स्ट्रेट रोड से बात कर्व दे दिया, जिससे होगा क्या, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। दिक्कतें क्या क्रिएट होंगी कि जो ड्राइवर से जो गाड़ी चला रहा था, ठीक है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर जो पड़ेगा वो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, उससे डर लगने लगेगा, वो सीधे कर्व में मूव कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कराते हैं अपने कर्व। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो, जब हम कर्व को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कर्व का आउटर एज को उठा देते हैं। आउटर एज को क्यों उठा देते हैं, लास्ट में बताया था कि हम जनरली करते हैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आउटर एज होता है उसी को हम सुपर एलिवेशन बोलते थे। और पर्पस क्या होता था कि कर्व पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है क्या है, गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचने का काम करता है। जब गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, तुम क्या करो, उस रोड को आउटवर्ड से ही उठा दो। यही तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था सुपर एलिवेशन में, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड में खींच रहा था, इसलिए हमने क्या करा, सुपर एलिवेशन को आउटर एज में उठा दिया, ठीक है। अब आउटर एज में उठाया, इसी को बोला सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो इसलिए जो हम कहते हैं, जो स्लोप हम दे रहे हैं इनर से आउटर के रेस्पेक्ट में, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ऐसा मत करो कि सडनली तुमने क्या करके स्लोप बहुत ज्यादा दे दिया, नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। साथ ही साथ कर्व का एक रीजन होता है विजिबिलिटी अच्छी होती है। दो रीजन होते हैं, पहला कि ग्रेजुअल चेंज हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरा होता है ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड एंड फॉर गुड विजिबिलिटी, ठीक है। अच्छी विजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कर्व को प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व, ठीक है सर। अब एक बात तो हमने जान ली कि स्ट्रेट रोड के रेस्पेक्ट में कर्व जो होता है प्रोवाइड करना पड़ता है। डिजायरेबल स्ट्रेट रोड है, लेकिन कर्व में कई बार प्रोवाइड करना पड़ता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अभी सर जो हम कर्व होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, हम रोड पर कितने टाइप्स के कर्व प्रोवाइड करते हैं। देखो दो तरीके के कर्व होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। दो तरीके के कर्व होते हैं, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। जब मैं कर्व को हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कर्व को हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट कर्व इज हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। जब मैं कर्व को वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट कर्व इज वर्टिकल। दो बातें ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है कि वो कर्व जिसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व, वो कर्व जिसको मैं वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज वर्टिकल कर्व। कितनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर, जब हम कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं, कर्व से पहले एक बात है, जब हम रोड बनाते हैं तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम कौन सी लाइन प्रोवाइड करते हैं, इनर आउटर या सेंटर, सबसे पहले हम सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं। उस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में इनर लाइन बनाते हैं, देन आउटर लाइन, तब जाके रोड पे जाते हैं। ऐसी कर्व के साथ जब हम कर्व प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी लाइन प्रोवाइड करनी पड़ती है, सेंटर लाइन, कर्व के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन। अब जब हम सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं तो उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। इतनी बात समझ में ध्यान। दूसरी बात सर, क्या हॉरिजॉन्टल कर्व कितने टाइप्स के होते हैं? सर आपने हॉरिजॉन्टल कर्व तो बता दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कर्व कितने टाइप्स से हम प्रोवाइड कर सकते हैं? चार तरीके के होते हैं, पहला सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व। सिंपल सर्कुलर, कंपाउंड, रिवर्स और ट्रांजिशन, ठीक। एक एक करके समझते हैं। वही है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, स्ट्रेट रोड आ रही थी, देखो आउटर से क्या हो रहा है, ऊपर उठते आ रहा है, ठीक है, आउटर से सीधे उठ रहा है, इसको बोलते हैं कैसा कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। अब एक एक कर्व को समझते हैं। पहला होता है सिंपल सर्कुलर कर्व, क्या है, क्या लिखा है, सिंपल सर्कुलर कर्व इज नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कर्व व्हिच कनेक्ट टू स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट रेडियस, दो स्ट्रेट लाइन से जो कर्व कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सर्कुलर कर्व। देखो कि T1 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, वो T2 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, B क्या है, ये जो फाई एंगल है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, R क्या है, रेडियस, कांस्टेंट रेडियस, दो स्ट्रेट लाइन जिनकी कांस्टेंट रेडियस थी, उन दोनों के बीच में जो हम कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज सिंपल सर्कुलर। किस तरीके से दिखता है, देखो ये जो कर्व है इसी कर्व को हम बोलते हैं सिंपल सर्कुलर, क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। सेकंड पॉइंट है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या आता है, दो और दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व जब हम कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सर्कुलर। हाँ, दोनों जो सिंपल सर्कुलर कर्व है उनकी रेडियस अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, दो और दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व जिनकी रेडियस डिफरेंट है उनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ देन जो कर्व बनाता हूँ उस कर्व को बोलता हूँ क्या, कंपाउंड कर्व, ठीक है, समझ आएगा। तो लिखो, देखो क्या लिखा है, कंपाउंड कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सर्कुलर कर्व विद डिफरेंट रेडियस इन केस, देखो इधर, इन दिस केस बोथ और ऑल द कर्व लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन, इस केस में क्या होता है, बोथ और ऑल द कर्व लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन, जितने भी कर्व्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, कॉमन टेंजेंट पे लाई करेंगे, ठीक है। देखो इधर, ये जनरली कहाँ देखा जाता है, हिली एरिया, वैली वगैरह में, ठीक है। देखो मान लो ये कर्व है, फिर दूसरा कर्व है, फिर इस तरह से तीसरा कर्व, फिर चौथा कर्व, अब हो रहा है एक से ज्यादा कर्व प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। समझ में आ गया, दो कर्व के सिंपल सर्कुलर कर्व कंपाउंड। तीसरा होता है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है कि तुमने क्या करा, एक जगह कर्व प्रोवाइड किया उसके अपोजिट दूसरा ही कर्व प्रोवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स कर्व। क्या लिखा है, रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन टू सिंपल सर्कुलर कर्व बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, बैंड हो जाना, बेंडिंग हो जाना किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, और कहां पर, एक पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। This point is called as, इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। द सेंटर ऑफ बोथ द कर्व लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जो लाई करेंगे किसमें, सेंटर होगा दोनों कर्व का, वो लाई कर रहा होगा कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड में। द रेडियस ऑफ बोथ द कर्व, द रेडियस ऑफ बोथ द कर्व मे बी द सेम और डिफरेंट, हो सकता है ये कर्व की रेडियस डिफरेंट भी और सेम। अब देखो तो कितना हमने देख लिया, तो तीन कर दिए, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। तीसरा आता है हमारे पास, चौथा आता है ट्रांजिशन कर्व। तीन पढ़ लिए, चौथा हमारे पास ट्रांजिशन। देखो कई बार क्या होता है, तो ट्रांजिशन कर्व है क्या, इसको ध्यान से सुनो। जब मैंने एक बार बताया जब हम कर्व प्रोवाइड करते हैं इसमें जो चेंज है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं कर्व, तो ग्रेजुअली जो इंक्रीज करते हैं, अब कर्व कितने टाइप के, पहले तो एक बार चलो ठीक है, ग्रेजुअली जो इंक्रीज करते हैं उन कर्व के बीच में एक कर्व और एक्स्ट्रा डाला जाता है, जो जिसका पर्पस सिर्फ क्या होता है, उस अपने स्लोप को या उस रेडियस को इनफाइनाइट से आर तक कन्वर्ट करना, पहुंचाना, उस कर्व को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। समझ आया, नहीं आया तो दोबारा। बेसिकली ट्रांजिशन कर्व क्या है, देखो जो हम सिंपल सर्कुलर कर्व कर रहे हैं ना, सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व के बीच में एक कर्व प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलता है ट्रांजिशन कर्व। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज कराने के लिए। क्या इंक्रीज कराने के लिए, सुपर एलिवेशन और रेडियस। सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज कराना और रेडियस को ग्रेजुअली इंक्रीज कराना ही तात्पर्य होता है, उसी को जो ट्रांजिशन कर्व उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या कहता है ट्रांजिशन कर्व, सर पढ़ लो एक बार, अ कर्व ऑफ वेरिएंट रेडियस फ्रॉम दिस ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व प्लान व्हिच इज प्रोवाइडेड चेंज द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व, gradually means the radius of transition varies infinite to infinite to radius r, its radius varies from infinite to definite radius of provided for the circular curve। समझो इधर ट्रांजिशन कर्व कुछ नहीं है, स्ट्रेट और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में कर्व प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। पर्पस क्या है, जो भी मेरा जो सुपर एलिवेशन है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कराना, इसलिए करना कर्व पे, मुझे पता है कर्व पे क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए ऐसा ना हो कि जैसे मैंने स्टेट रोल प्रोवाइड किया तो नेक्स्ट कर्व दे दिया और वो कर्व इतना तेजी से दे दिया, इतना सडन उसके रेडियस दे दी, इतनी ज्यादा रेडियस दे दी, जिससे हुआ तो उसमें टर्न ज्यादा हो गया, टर्न ज्यादा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो व्हीकल्स के ओवरटर्न करने की क्षमता, ओवरटर्न करने की क्षमता भी ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसलिए कर्व को ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं। जब ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ रोड, दूसरा सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में एक कर्व प्रोवाइड करता है जिसको डायनेशनल कर्व कहते हैं। पर्पस क्या होता है, पहली बात है तो ग्रेजुअल चेंज इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, थर्ड होता है कंफर्ट फॉर द ड्राइवर और फिफ्थ होता है कि दिखने में भी अच्छा, एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा हो। ठीक है, ये याद है। दूसरा इनफाइनाइट टू ग्रेडियस आर्क बनाने के लिए एक की बात समझ में आई, डायनेशनल कर्व समझ आ गया किस किस के बीच में प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में। दूसरी बात है क्या, रेडियस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस है इनफाइनाइट टू ग्रेडियस आर्क में करने का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराने का, सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराने का, ड्राइवर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, एस्थेटिक में एस्थेटिक अपीयरेंस में दिखने में भी अच्छा। ठीक है, इसलिए इसको इस कर्व को बोलते हैं डायनेशनल कर्व। सारे पर्पस बता दिए। नेक्स्ट मेरे पास होता है, देखो इधर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से मेरा सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, इधर देखो। ठीक है, इस सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं इसी को बोलते हैं डायनेशनल कर्व। ऐसी जो सर्कुलर कर्व का एंडिंग पॉइंट होगा और जहाँ से स्टार्टिंग होगी, राइट हैंड साइड में जो स्टार्टिंग है, इधर देखो, जो स्टार्टिंग रोड, स्ट्रेट रोड, सॉरी स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व का एंड पॉइंट के बीच में कर्व प्रोवाइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेशनल कर्व। देखो इधर रेडियस कितनी थी, इनफाइनाइट, देन कितनी R1, फिर कितनी R2, देन R3, जहां तक कंपाउंड करता पहुंचा रेडियस कितनी होगी R, तो इनफाइनाइट टू कैपिटल डेफिनेट रेडियस R में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में एक कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। समझ आ गया? ठीक है, तो हमने चार कर्व पढ़ लिए, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट कर्व है मेरे पास कि जो ट्रांजिशन कर्व होते कितने होंगे। देखो जनरली ट्रांजिशन कर्व तीन तरीके के होते हैं, स्पाइरल और क्यूबिक, क्यूबिक पैराबोला, लैमिस्केट। तीन ट्रांजिशन टाइप्स के ट्रांजिशन कर्व होते हैं। पहला स्पाइरल और क्यूबिक, दूसरा होता है क्यूबिक पैराबोला, तीसरा होता है लैमिस्केट। अभी तो देखो मेरे पर तीन डायग्राम, एक डायग्राम है जो देखो ये मेरी मेजर एक्सिस है जिसको बोल रहा हूं एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कुछ डिग्री पे, कितने डिग्री पे दूरी पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो एक कर्व मेरा ये वाला है, ये रहा, ये देखो दूसरा कर्व ये राउंडेड है ऐसे, और एक कर्व क्या मेरे पास यहाँ से जो जा रहा है जीरो एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ से 30 डिग्री का एंगल। इस कर्व को बोलते हैं जो 30 डिग्री एंगल बना, दैट इज क्यूबिक पैराबोला। ये अंदर वाला जो है ये एक स्पाइरल की फॉर्म में चला, दैट इज स्पाइरल कर्व, और ये जो बीच वाला जो पूरा अंडाकार शेप में हो रहा बन कर रहा है इसको बोलते हैं लैमिस्केट। तीन तरीके याद रखना, स्पाइरल जिसको हम क्लॉथोइड भी बोलते हैं, दूसरा लैमिस्केट और तीसरा होता है क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, समझ आ गया? सॉरी, चलो अब बात समझ में आ गई। तो दो कर्व पढ़े, कौन कौन से, ट्रांजिशन कर्व कितने टाइप के। अब तक हमने क्या पढ़ा, कर्व की नीड क्या क्या हमें जरूरत है, क्यों हम कर्व प्रोवाइड करें। दूसरा हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व में कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप के सर, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व मैंने बताया था ना कि ऐसा कर्व जो वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द कर्व इन अ वर्टिकल अलाइनमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू डिफरेंट ग्रेडियंट मीट इज नोन एज वर्टिकल कर्व। ठीक है, देखो कर्व क्या है, ऐसा कर्व जो दो डिफरेंट ग्रेडियंट्स के बीच में प्रोवाइड किया, मतलब उनसे मिलता हुआ कर्व है, दो डिफरेंट ग्रेडियंट से मिलता हुआ बीच में जो एक कर्व प्रोवाइड किया गया है, दैट कर्व इज कॉल्ड वर्टिकल। अभी वर्टिकल, अगर मैं ग्रेडियंट की बात करता हूं तो ग्रेडियंट है क्या, ये देखो बेसिकली ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड जो राइज और फॉल देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। राइज और फॉल कितनी उठी हुई है और कितनी गिरी हुई है, मतलब नीचे जा रही है। ठीक है, तो राइज और फॉल जो देखने को मिला है, देखो डायग्राम में दे रखा है, देखो ये मेरा है नहीं है, ये जो कर्व है देखो, ये राइज, यहाँ पे राइज है, यहाँ पे फॉल है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व इन दोनों के बीच में दिया है, यहाँ पे देखो ये ट्रैक्टर जा रहा है, सफेद रंग की कार जा रही है, तो ये जो कर्व दिया है इसी को बोलते हैं वर्टिकल कर्व। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल कर्व। ठीक है, वही चीज इसके अंदर भी, विजिबिलिटी अच्छी हो, कंफर्ट अच्छा हो, अपीयरेंस दिखने में अच्छा हो, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो इधर बीपीसी, बीपीटी, कर्वेचर, टेंजेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक के लिए एलवाईटी, यहाँ से यहाँ तक के एलवाईटी, ठीक है। अभी देखो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, वर्टिकल कर्व किस टाइप के होता है। दूसरा पॉइंट, कितना टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व, देखो दो तरीके के होते हैं, सबमिट कर्व और वैली कर्व। सबमिट कर्व हम क्रैश कर्व भी बोलते हैं, वैली कर्व को हम सेट कर्व, ठीक है। सबमिट कर्व हम क्या बोलते हैं, ऐसा कर्व जिसमें कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, दैट इज दैट कर्व इज कॉल्ड एज सबमिट कर्व। वैली कर्व, ऐसा कर्व जिसमें कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता है और कॉन्केव अपवर्ड होता है, ऐसा कर्व जिसमें कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड, दैट इज सबमिट कर्व। लेकिन कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता है और कॉन्केव अपवर्ड होता है, दैट इज वैली कर्व। दोनों चीज याद रखो, सबमिट कर्व को हम क्रैश कर्व भी बोलते हैं, वैली कर्व को सेट कर्व भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, सबमिट कर्व बेसिकली अगर मैं देखो तो सबमिट कर्व चार कंडीशन बनती है। देखो पहली कि मान लो ये पॉजिटिव n1 है, ये n क्या, चेंज इन द ग्रेड, कितना चेंज होगा n1 से n2, जिसको बोलते हैं कैपिटल N। कैपिटल N हमें पता करना होता है, कैसे करते हैं, यहाँ से देखो स्लोप कैसा जा रहा है ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव n1, स्लोप कैसा बढ़ता हुआ है तो पॉजिटिव n। इधर देखो कैसा जा रहा है, स्लोप बढ़ता हुआ, पॉजिटिव n। कैपिटल N क्या होता है, चेंज इन द ग्रेड, कितना चेंज आया n1 से n2, हम क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, n1 से n2 को घटा देते हैं, n1 माइनस n2। इधर आओ, इधर में देखो अगर ये ए बी वाला, देखो बी वाला डायग्राम ऊपर जा रहा है बढ़ता, तो पॉजिटिव n1, इधर कितना है देखो, ये लगभग 0 के बराबर है, स्लोप कुछ नहीं हो रहा, तो n2 कितना हो गया 0, तो n कितना हो गया n1 माइनस n2, दैट इज n1। सी वाला डायग्राम देखो, ये ऊपर क्यों जा रहा है पॉजिटिव n1, ये नीचे क्यों जा रहा है, दैट इज माइनस n2, n इज इक्वल टू कितना होगा n1 माइनस माइनस n2, क्यों, क्योंकि माइनस n2 का है, हमें दोनों को घटाना, चेंज है, n1 प्लस n2 हो जाएगा। डी डायग्राम पे आओ, ये किधर जा रहा है नीचे के, माइनस n1, तो ये माइनस n2, तो n कितना हो गया माइनस n1 माइनस ब्रैकेट माइनस n2, दैट इज कैपिटल N इक्वल टू कितना हो गया माइनस n1 प्लस n2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं n2 माइनस n1। चार कंडीशन बनती है, पहली देखो इधर लिखी भी है, व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अ लेवल 0 ग्रेडियंट, व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट, व्हेन अ नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। फर्स्ट का डायग्राम ए वाला, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, ठीक है। सबमिट कर समझ में आ गया, जिसमें कॉन्वेक्स अपवर्ड और कॉन्केव डाउन, चार कंडीशन बता दी। नेक्स्ट है वर्टिकल वैली कर्व। वर्टिकल वैली कर्व में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड एंड कॉन्केव अपवर्ड, इसमें भी चार कंडीशन कि नेगेटिव ग्रेडियंट मीट कर रहा है किसी अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट से, नेगेटिव ग्रेडियंट मीट कर रहा है जीरो ग्रेडियंट से, नेगेटिव ग्रेडियंट मीट कर रहा है पॉजिटिव से, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट कर रहा है इसकी पर पॉजिटिव ग्रेडियंट। देखो इधर फर्स्ट है नेगेटिव ग्रेडियंट मीट से कर रहा है नेगेटिव से, माइनस n1 माइनस n2, n इज इक्वल टू कितना माइनस n1 माइनस माइनस n2, जब कैपिटल N इज इक्वल टू कितना होगा n n2 माइनस n1। बी पॉइंट आओ, नेगेटिव ग्रेडियंट ये रहा माइनस n1, ये 0, माइनस n1 माइनस 0, दैट इज कैपिटल N इज इक्वल टू माइनस n1। इधर आओ माइनस n1 माइनस n2, सॉरी पॉजिटिव n2 नहीं, हां पॉजिटिव n2, तो माइनस n1 माइनस n2, तो n कितना होगा माइनस n1 प्लस n2। बी पॉइंट पे आ जाओ, इधर देखो ये प्लस n1 प्लस n2, तो n1 कितना होगा कैपिटल N कितना होगा माइनस n1 माइनस, ठीक है। यहां तो बस समझ में आ गई। तब तक हमने क्या देखा, एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो हमने क्या देखा कि कर्व होता क्या है, मीट, देखो इधर शुरू से एक बार कि सर पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेसेसिटी क्या होती है, कर्व हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों कंडीशन देखी, दो ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड एंड फॉर गुड विजिबिलिटी, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, चार तरीके पढ़े, सिंपल सर्कुलर, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, टैंजेंट कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व ये रहा, सिंपल सर्कुलर कर्व ये समझाया था, ठीक है। कंपाउंड कर्व इस टाइप का जो हिली हिली और वैली जैसा देखने मिलता है, रिवर्स कर्व ये रहा, ठीक है। फिर ट्रांजिशन कर्व कुछ इस तरीके से, कितने टाइप्स के होते हैं ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व में दो, वैली सबमिट कर्व, वैली कर्व, सबमिट कर्व दिखाया, चारों कंडीशन दिखाई, वैली कर्व दिखाया, चारों कंडीशन। यही था मेरा कर्व, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हम कर्व हमने ज्योमेट्री डिजाइन कर लिया, कर्व हमने प्रोवाइड कर दिया, स्टॉप साइड डिस्टेंस हमने प्रोवाइड कर दिया, एलिवेशन हमने प्रोवाइड कर दिया, पेमेंट कंस्ट्रेंट्स हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं, जिसको हम रोड मटेरियल बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे रोड में यूज किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, और कौन सा मटेरियल कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारी कंडीशन चेक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।